गाइस, तो आज हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें इंडिया को सब कहते थे, इंडिया को इंडिया के अंदर कोई भी नहीं हरा सकता, पर इंडिया ने अपने ही इंडिया के अंदर कुछ ऐसा कर दिया है गाइस, गजब बेइज्जती। तो चलिए इस वीडियो को देखकर पता करते हैं कि क्या हुआ है। इंडिया 46 पर ऑल आउट, ये स्कोर कार्ड जब मैंने देखा तो मेरी जुबान से अपने आप निकला कि हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया? मतलब कैसे हो गया यार, क्या हो गया गाइस? क्योंकि अभी चंद रोज पहले ही हम और आप सेलिब्रेट कर रहे थे कि इंडिया ने T20 में 297 रन ठोक दिए, जो T20 का हाईएस्ट है। अभी चंद रोज पहले हम और आप सेलिब्रेट कर रहे थे कि टीम इंडिया ने 3 ओवर 1 गेंद में टेस्ट क्रिकेट में 50 रन, सबसे फास्टेस्ट 100 रन, सबसे फास्टेस्ट 150, सबसे फास्टेस्ट 200, और आज टीम इंडिया 50 रन नहीं बना पाई। टीम इंडिया ऑल आउट हो गई टेस्ट क्रिकेट के लोवेस्ट स्कोर में, इंडिया में 46 रन की स्कोर है। ये इंडिया का सबसे कम स्कोर है घर में, मतलब इज्जत बस खाली इस बात से बची है कि भैया 36 रन पे ऑल आउट नहीं हुए थे। पड़ोस वाले पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि सर हमारे मैच के बाद तो बड़ा मजाक उड़ाया गया था, हमारी टीम आउट हो गई, आज आपकी वाली तो 46 पे चली गई। हमने कहा हाँ भाई, आज मजाक हमारा भी बन रहा है और मजाक बनना चाहिए, क्योंकि 46 रन पर ऑल आउट होना चिन्नास्वामी में ये हैरान करने वाला है। पहली बार इंडिया घर में 50 रन के नीचे ऑल आउट हो जाती है, ये समझ में नहीं आता। बड़े बड़े सूरमा विराट कोहली साहब, जिनको लेकर चल रहा था कि अभिषेक नायर के साथ इंडोर में प्रैक्टिस चल रही, कितना बनाए अंडा की प्रैक्टिस। सरफराज खान अंडा, रणजी का पावर कितना बनाए अंडा, केएल राहुल विराट भाई से जाने वाले कितना बनाए अंडा, जड्डू भाई चीते की चाल बास की नजर कितना बनाए अंडा, टेस्ट में शतक मारने वाले अश्विन अन्ना कितना बनाए अंडा, अंडे पे अंडा, जो अंडा नहीं बना पाए वो एक दो पे चले गए, जैसे बुमराह भाई एक पे, रोहित भाई दो पे, कुलदीप भाई दो पे, अपने DSP सिराज साहब 4 पे, जयसवाल और ऋषभ पंत खाली 2 बल्लेबाज थे जो दहाई के आंकड़े को पार कर पाए, 13 और 20, बाकी सब ने मानो नाक कटवा दी। और इसीलिए आज कह रहे हैं कि ये वाली परफॉर्मेंस जो है गुरु, ये 36 पर ऑल आउट होने से ज्यादा बर्बाद है। मतलब माइकल वॉन भले ही कह रहे हैं कि आप लोग इंडियंस खुश हो जाइए कि आप 36 के आंकड़े से नीचे नहीं ऊपर है, लेकिन भाई साहब ये 36 से ज्यादा खराब है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि आप इंडिया में खेल रहे थे काफी और इंडियन फैंस यकीन नहीं कर पा रहे कि क्या देखा हमने, और सवाल उठा रहे कि यार ये क्यों हुआ, ये ओवरकास्ट कंडीशन में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किसका था, क्यों था, किस लिए था, पता नहीं, लेकिन जिसका भी था बहुत खतरनाक था और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। 46 रनों पर इंडिया ऑल आउट हो गई, मतलब इंडिया का एशिया में ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये लोवेस्ट स्कोर है। 1986 में फैसलाबाद में 53 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, दैट वाज लोवेस्ट इन एशिया। आप बर्बादी का आलम ये सोचो कि हमारे डीएसपी सिराज साहब जो है वो थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थे, और जिन 3 बल्लेबाजों में से चौके पड़े उनमें से एक सिराज साहब थे। सिराज साहब थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थे, थर्ड प्लेयर थे बाउंड्री मारने वाले, और नॉट आउट रहे 4 रन बनाकर 16 गेंद पे, और इसीलिए ये मैच बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मतलब सबसे डिसअपॉइंटमेंट इस बात को लेकर है कि अभी यार गौतम गंभीर कुछ ही दिन पहले कह रहे थे कि जी हमें वो टीम बनानी है जो एक दिन में 500 भी बना दे और एक दिन में इतना सारा खेल भी ले, 2 दिन टेस्ट मैच रह के खेल ले। भाई साहब 46 रन पे ऑल आउट, इतने बड़े बड़े प्लेयर, यार ये बर्दाश्त के बाहर। मतलब हो सकता है इंडिया न्यूजीलैंड को भी पटक दे, बट यार आपकी स्किल्स इतनी खराब, इतनी मतलब इतनी तो आपको स्किल्स होनी चाहिए कि आप 100 रन 150 तो बना सको। उधर पुजारा और रहाणे भैया वो बाहर बैठ के मजा ले रहे थे, विनोद भाई के स्टाइल में कह रहे थे कि हे भैया ऐसा मैच बाहर से देखने में मजा आता है, अब इज्जत होगा हम लोग का कि हम लोग कैसे खेलते थे। सही कह रहे यार भाई, पुजारा रहाणे टिकते थे यार, मतलब ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है 46 इंडिया में। मतलब बांग्लादेश को हमने यार 2 दिन में हरा दिया था, न्यूजीलैंड ने 2019 वर्ल्ड कप की यादों को फिर ताजा कर दिया, यही मैट हेनरी वेनरी थे, धुआं धुआं कर दिया था। बट सबसे डिसअपॉइंटमेंट वही है गंभीर भाई का स्टेटमेंट, वी वॉन्ट टू बी अ टीम दैट कैन स्कोर 400 इन अ डे एंड कैन बैक 2 डेज। यार 2 दिन बैटिंग के बाद 2 सेशन बैटिंग नहीं कर पाया, 2 सेशन बैटिंग नहीं हो पाई, 9 पे पहला, 9 पे दूसरा, 10 पे तीसरा, 31 पे चौथा, 33 पे पांचवा, 34 पे छठवा, 34 पे सातवा, 39 पे आठवा, 40 पे नौवा, 46 पे दसवा, ये टीम इंडिया का स्कोर था। वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस एवर बाई टीम इंडिया। गंभीर एरा में 46 पर आउट आउट होना ये बिल्कुल पछने वाला नहीं है। मतलब फैंस ने बोला यार इससे लंबी बैटिंग तो हमारे गली क्रिकेट में होती है भाई, वहां तमीज से खेलते हैं, क्योंकि एक दिन में आप 100 रन बनाते हो, मतलब फास्टेस्ट 150, 200, 250,
और अगले दिन आप 46 पर ऑल आउट होते हो, तो ये एम्बैरेसमेंट है। खैर, न्यूजीलैंड की तारीफ की जाए कम है, न्यूजीलैंड की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि उनके बॉलर विल 23 साल के हैं यार, क्या कमाल गेंदबाजी की, 4 विकेट निकाले, 22 रन देकर, 6 फीट 5 इंच की हाइट, 140 किलोमीटर के ऊपर गेंद और गजब की गेंदबाजी, गजब की गेंदबाजी। मैट हेनरी पुराने जख्म अभी भी ताजा हैं, उन्होंने हमें वर्ल्ड कप 2019 में बहुत जख्म दिए थे, इस बार भी दिए, और 9 विकेट 37 रन देखकर इन दोनों गेंदबाजों ने निकाले, और यही वजह है कि टीम इंडिया जो है वो घुटनों पर आ गई। टीम इंडिया का ये लोवेस्ट स्कोर है, पहली बार टीम इंडिया 50 के नीचे ऑल आउट हुई है, थर्ड लोवेस्ट स्कोर टीम इंडिया का ऑल टाइम है, और इंडियन टीम अब इस बात को लेकर दुखी होगी, ये 46 पर 10 लोवेस्ट है। इससे पहले 1987 में 75 रन था हमारा लोवेस्ट, जो आज खत्म। आखिरी 30 बॉल में टीम इंडिया ने सिर्फ 8 रन बनाए 5 विकेट देकर, ये अपने आप में डिसअपॉइंटिंग है। इंडिया के लोवेस्ट स्कोर की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वाला ही है, 2020 एडिलेड याद कीजिए, 36 रन पे ऑल आउट हम हो गए थे, वो बहुत दुखद था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में था, ये इंडिया में तो और दुखद है। 42 पे भी हम ऑल आउट हुए 1974 में, लेकिन तब से क्रिकेट काफ़ी बदल चुकी है, इसलिए 36 ऑस्ट्रेलिया वाला और 46 इंडिया में, आई थिंक ये सबसे पेनफुल है। और सबसे खतरनाक है कि यार 5 बल्लेबाज हमारे ऐसे हैं टॉप 7 में जो 0 पर आउट हुए, जो सबसे ज़्यादा पेनफुल है, मतलब 0 पे आउट, बहुत बहुत दुखद ये है। इतना डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस टीम इंडिया से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार एक दो बल्लेबाज तो टिकेगा, मतलब रोहित नहीं मारेगा तो जयसवाल मारेगा, जयसवाल नहीं मारेगा तो विराट मारेगा, विराट नहीं मारेगा तो केएल मारेगा, केएल नहीं मारेगा तो सरफराज मारेगा, ऊपर कोई नहीं चलेगा तो जडेजा या फिर अश्विन चल जाएंगे, लेकिन कोई भी प्लेयर इंडिया का नहीं चला, और यही वजह है कि इंडिया इस मैच में फिलहाल काफ़ी पीछे। लेट्स जस्ट होप कि हमारे गेंदबाज इसका बदला लें, सेकेंड इनिंग में हम अच्छा करें, बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब कल तक पाकिस्तान का मजाक उड़ा था, आज पाकिस्तानियों को पूरा अधिकार है कि वो हमारे इस परफॉर्मेंस का मजाक उड़ाएं, क्योंकि बनता है उनका यार, बनता है उनका ये परफॉर्मेंस के बाद, अगर वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं, पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार के बाद वो सेकंड टेस्ट मैच में इंग्लैंड के सामने लीड ले रहे हैं, बेहतर खेल रहे हैं, हमारे वाले अच्छा होकर फ्लॉप हो रहे हैं, तो ये आई थिंक डिसअपॉइंटिंग है, बट ठीक है, टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट वन गुड सेशन, टू गुड सेशन, अगर ये हम भी करते हैं 70-80 पर ऑल आउट करके उनको या और कम पे, तो हमारी बल्ले बल्ले, अगर वो 250 रन बना लेते देन इट्स गोना बी वेरी टफ फॉर टीम इंडिया कि हम यहाँ से बाउंस बैक करें और ये मैच जीत के लाएं। लेट्स जस्ट होप कि ये बेंगलुरु में कर्स ना आए और ये मैच अभी भी इंडिया के फेवर में जाए, लेट्स जस्ट होप, लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो गाइस वीडियो चुका एंड, तो आपको कैसे लगी ये वाली वीडियो कमेंट्स में जरूर से बताइएगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।